के मिलते। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर मैथ्स विद रवि आप पार्ट नंबर टू है। जैसा कि पार्ट नंबर वन आप देख सकते हैं जाकर, पार्ट नंबर वन में कुछ फार्मूले का डिस्कस हुआ है था, जिसको मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे उसमें बेसिक फार्मूला था आपका, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और दूसरा क्या बताया गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और तीसरा जो फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। इसके बाद क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी। और नेक्स्ट फार्मूला क्या बताया गया था, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट a माइनस बी। नेक्स्ट आपका फार्मूला था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। Are you getting my point? Okay. Next formula था आपका a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to होता है in one bracket a plus b plus c in another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। ये थोड़ा आपका formula अलग type का है, ध्यान दीजिएगा। a cube plus b cube प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला होता है ना, इतना क्लियर। इसके बाद में आपको एक और बताया गया था, प्राइम नंबर है ना। और प्राइम नंबर आर दोज नंबर हुज हैज ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल केवल दो फैक्टर हो, एक तो वन हो और दूसरा इटसेल्फ। वन से हंड्रेड के बीच में कितने प्राइम नंबर थे, 25। कौन कौन सा था आपका, 2, 3, 5, 7 ऐसे आप मतलब वो इसको तो चेक ही कर सकते हैं ना कौन कौन से। चलिए आज की क्लास नंबर टू है ना। फर्स्ट पार्ट में आपका केवल फार्मूले थे, कुछ फार्मूले जो कि हाँ ये फार्मूले को ऐसे, जैसे एक प्रश्न बनता है ना, एक प्रश्न ये बनता है, सर जी साइन स्क्वायर थीटा का मान कहाँ काम आया। या जब हमें जॉब लग जाएगी, या लोग कहते भी ऐसे रफली कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का काम क्या है, डेली लाइफ में काम क्या है भाई, प्रश्न ये भी तो बनता है। क्योंकि अगर किसी चीज का इंपॉर्टेंस डेली लाइफ के बेसिस पर समझ में आ जाता है तो मजा आ जाता है, वहां से कुछ नया होता है। तो इस फार्मूले का यूज क्या, देखिए इस फार्मूले का यूज करके आप पूरा का पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन विदाउट मल्टीप्लाई। जैसे अगर कह दिया जाए आपसे 45 का स्क्वायर बताइए, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं से ट्रिक सीखे भी होंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हैं 5 का स्क्वायर। आप ट्रिक ही सीखे होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे कि 5 जब जिसके लास्ट में 5 रहता है तो उसका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 25 कर देना, फिर इसके बाद में 10 वाला डिजिट अगर 4 है तो एक ज्यादा ले लेना है ना। जैसे यहाँ 4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर ये 75 होगा और ये 25 तो रहेगा ही लास्ट में, अगर यहाँ 7 है तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से है ना। तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5, 20, 20, 25 हो जाएगा है ना। और अगर पूछा जाए 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 7 है एक ज्यादा ले लेते हैं, तो 8 से बन जाए क्या हो जाएगा, 8 से बन जा 56, 56 से 25 हो जाएगा। इतना समझ में, पहले से मालूम था कि नहीं, चलिए पहले से नहीं मालूम था, अब क्लियर हो गया। देखिए अगर लास्ट में 5 हो, अगर क्या हो लास्ट में 5 हो तो सबसे पहले उसका 25 लिख देना है ना, फिर उसके बाद वाला यानी कि 10 डिजिट पर जितना भी उसका एक ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई कर देना, एक ज्यादा लेकर क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर ले, तुरंत आ जाएगा आंसर। जैसे चलिए एक बार ट्राई कीजिए, 35 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए, 35 है, 5 का क्या हो जाएगा
25 यहाँ 3 है तो क्या एक ज्यादा लेना है 4, तो 3 4 = 12 इस बार आप दोनों बताना है ना। चलिए आप बता दीजिए 25 का स्क्वायर 25 गुड, यहाँ 2 है इसका एक ज्यादा ले लो या ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर लो, 3 2 6 और 5 है तो 25 रहेगा ही, मतलब यहाँ 6 25 हो जाएगा। चलिए एक और ट्राई कीजिए, चलिए बताइए 85 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। 85 गुड 7 2 2 5। चलिए 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 95 स्क्वायर 90 25 गुड, बिकॉज 9 10 90 हो गया और 5 का 25 होगा तो 90। ये तो आसान है आपका, देखो इतना गजब का, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ये केवल ये कॉन्सेप्ट केवल 5 वाले के लिए लागू होता है। ये कॉन्सेप्ट केवल किसके लिए लागू होगा, 5 के लिए लागू होगा, बाकी सबके लिए लागू नहीं होगा। अब हमारा 2 प्रश्न है, जो पार्ट 1 में आपने ये फार्मूला देखा था इसका यूज कहाँ होगा, सबसे पहले ये बताइए इसका डेली बेसिस पर यूज कैसे होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज का डेली बेसिस पर यूज नहीं पता चलता मजा नहीं आता भाई, है ना। जैसे हमें बचपन में पर्सनली मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद थी, जो बाद में पता चला भाई करेला का रोग 36 रोग काटता है, करेला जो होता है वो बीमारियों खून को साफ करता है, ये करता है, तो उसके बाद क्या हुआ जबरदस्ती खाते हैं, अच्छा नहीं लगता लेकिन उसके बावजूद भी जहां ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही खा लें, तो इम्पोर्टेंस पता चलने से ही तो हम खाना शुरू किए। बचपन में कई सारी नौटंकी होती है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं, दुनियादार रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होती है सारी चीजें पसंद आने लगती है ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो यहाँ पर अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो भाई 5 वाला तो स्क्वायर क्लियर हो गया ना। अगर कोई पूछता है कि चलिए बता दीजिए 75 का स्क्वायर, आप तुरंत कहेंगे 7 है, 8 7 56 56 25, आप तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए आपका, मान लीजिए जैसे आपने 15 का तुरंत बताया कि 1 है, 1 2 2 2 25, लेकिन यहीं पर अगर आ जाए क्या आ जाए 16 आ जाए, अब इसका स्क्वायर बताइए। अगर याद है तो अच्छी बात है, ना याद हो तो उस समय आप क्या करेंगे। और आपको कॉपी कलम का यूज नहीं करना है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो माइंड में इस चीज का फिगर बनाओ, या 16 का टेबल लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो भाई कोई समस्या ही नहीं है, है ना, आप कर सकते हैं 16 6 ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लर्न नहीं, मान लीजिए यहाँ 26 है, आप बताइए, है ना, तो आप इसके लिए क्या करेंगे 26 दो तरीका, एक तो ऐसे करेंगे भाई जब लिखकर आप करेंगे ऐसे तो करेंगे 6 6 36 और 6 2 12 और 3 कितना होगा 15, है ना, अरे भाई 6 6 36 6 2 12 और 3 15, फिर आप यहाँ 2 से करेंगे 2 6 12 2 और 2 2 4 और कैरी 1 5, आप यहाँ 6 और 5 2 7, यहाँ पर क्या है 6 76 आया, 676 है। क्या इस चीज को माइंड में आप बना सकते हैं इमेज, अगर इस चीज को आप माइंड में इमेज बनाए भी तो आप कैसे बनाएंगे 6 6 36 6 2 12 3 15, फिर एक छोड़ो माइंड में ऐसे करोगे, एक छोड़ दो क्योंकि एक गैपिंग रहता है ना, आप भूल जाओगे कहीं ना कहीं, क्या होगा आप कहीं या तो यहां गैपिंग में भूल जाओगे या ऐड करने में भूल जाओगे। ये सियोरिटी 100% सियोरिटी है कि नहीं, यहां पर बोलने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर किसी चीज को हम इस फार्मूले से समझें तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना, अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना, तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ये क्या कह रहा है लास्ट का स्क्वायर करो, लास्ट का क्या करो स्क्वायर करो, है ना, तो लास्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 हुआ, 36 6 से लिख दिए, कैरी को हमेशा ऐड किया जाता है तो पता है। अच्छा फिर कह रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई करो, अच्छा 6 2 12, फिर कह रहे हैं उसका दुगना कर दो तो 12 2 24 और कैरी 3 था, है ना, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, कैरी 2 आया, फिर कह रहे हैं पहले नंबर का स्क्वायर करो, अच्छा 2 2 4 और कैरी 2 था 4 2 6, बताइए हो गया कि नहीं। इस चीज को माइंड में कैसे करें, आराम से हो जाए, 26 का स्क्वायर करना है तो 6 6 36, यहाँ 6 हो गया आपका, है ना, आपस मल्टीप्लाई करके 2 times तो 6 2 12 2 24 और इधर कैरी 3 था 27, 7 6 यहाँ पर हो गया 76 यहाँ हो गया, फिर फर्स्ट का स्क्वायर 2 2 4 और यहाँ 2
फोर टू सिक्स, सिक्स इधर और 76 इधर था, तो 676 हो गए। समझ में आया? आप आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है ना। बस इसके लिए क्या होना चाहिए, जो बच्चों वाली चीज है, बच्चों का मतलब एक तो मल्टीप्लाई, दुगना करना है ना, मल्टीप्लाई करना, कैरी को नहीं भूलना, ये सारे, इससे क्या होगा आपका मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। याद करो जब हम लोग बचपन में थे तो टीचर लोग एक ही सवाल कम से कम 12 15 20 25 सवाल देते थे, ऐसे कहते थे 5 + 6 ये लगाओ पहले, इस टाइप का कम से कम 25-30 सवाल लगवाते थे, फिर यहाँ पर और ऐड करते थे है ना, फिर खुद से देते थे अब ऐसे जो है 15 क्वेश्चन बनाकर लाना, याद आया कि नहीं। अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता था, इसीलिए तो कहा जाता था ताकि आपकी भूलने वाली बीमारी, कैरी को जो ऐड करना होता है, और एक कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। यहां तक कि आपको ये भी सॉल्व करवाया गया था 6 + 7 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे पूरा बताओ क्या होगा। ये आपसे जब बचपन में जब दादा वादा बैठते थे तो बताते थे बताओ 67 ज्यादा है, 79 ज्यादा है कि 69 ज्यादा है, ऐसे पूछे जाते, या ऐसे पूछते थे चलो 56 का दुगना कर दोगे कितना हो जाएगा। तो ये चीज है तुम्हारा है ना। अब ये चीज आपको लग रहा छोटी, ये हर संख्या के लिए फॉलो है ना, 1 से 100 तक आप सबका निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अभी देखिए, इसके लिए आपको ये फार्मूला भूल ही चाहिए कुछ देर, याद क्या रखना है, सबसे पहले लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर, जैसे एक हम ले लेते हैं थोड़ा लार्ज डिजिट ले लिया जाए है ना, जैसे मान लीजिए ले लिया जाए 36 का होल स्क्वायर है ना, या यहाँ 37 ले लो, जो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, लास्ट नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट नंबर का स्क्वायर, तो लास्ट नंबर का स्क्वायर 7 × 7 = 49, तो यहाँ 49 की 9 हो गया, 4 कैरी है ना। अब फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21, फिर उसका 2 टाइम्स कर दो, तो 21 × 2 = 42, कैरी कितना था 4 था है ना, तो 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया, इस बार कैरी कितना आया 4 आया है ना, 3 × 3 = 9 है ना, और 9 × 4 = 13, तुरंत आ गया कि नहीं है ना। इससे क्या होगा, जब देखो मान रहे भाई आप इस चीज को, आपको ये लग रहा होगा अरे सर इससे आसान तो यही है, इससे आसान तो यही है, लेकिन ये चीज आपका रटा रटाया है। जब आप यहां से करेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और मैथ है जितने भी आप ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, वहां पर डायरेक्ट फार्मूला बेस नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास इतना आम है, उसमें से 2 आम गिर गए तो कितने बचे, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप दिमागी क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा तो आपका जो मेंटल है ये थोड़ा ब्रॉड होगा ना, डेवलप होगा। और मैथ क्यों, इसीलिए तो करवाया जाता है ताकि आपकी सोचने समझने की शक्ति आए आपके अंदर। तो यहां पर आप बना लिए इसका तुरंत है ना, इतना समझ में आया। अच्छा एक करके दिखाइए, एक अगर हम कह देंगे 47 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे आप, 49 की 9 यहाँ पर कर दीजिए, 4 कैरी, और यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 28, इसका 2 टाइम्स कीजिए तो 56 हुआ, 56 और 4 60 हुआ, 60 के 0 हुआ, कैरी आया 6, 4 × 4 = 16 और 6 = 22 है ना। इससे क्या होगा, आपको अलग से कहीं मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, या आप एग्जाम में बैठे हैं आ गए स्क्वायर लिखने के लिए, तो आपको रफ कार्य के लिए पेज खोजने की आवश्यकता नहीं भाई, आपका पेज तो माइंड ही है ना। आप किसी का भी, आप थोड़ा बहुत ज्यादा लॉन्ग ले लिया जाए, जैसे ले लिया जाए 97 का स्क्वायर, अब बताइए, या यहाँ 98 कर लो, क्या दिक्कत है भाई, 8 × 8 = 64, अब अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं, 64 और देखिए 8 × 9 = 72 और 72 × 2 = कितना हो जाएगा 144 है ना। 72 जब आप ऐसे करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज भी होगा यार हमारा कैलकुलेशन कितना वीक है भाई, जब दुगना तिगुना ऐसे करना रहेगा, जब आप जल्दी जल्दी, जैसे आप मान लो आप 4 बच्चे हो है ना, दे दिया जाए चलो 98 का स्क्वायर निकालो, तो चारों में से कोई बच्चा रहेगा बहुत जल्दी लगा देगा है ना, और कोई रहेगा एवरेज में, कोई रहेगा एकदम धीरे। तो इसका रीजन क्या है, जो बहुत जल्दी लगा ले रहा है इसका मतलब क्या, उसका कैलकुलेशन अच्छा है। तो आपको एक रियलाइज होगा नहीं भाई कहीं ना कहीं मैथ में मेरा कैलकुलेशन क्या है, वीक है, और मैथ मतलब कैलकुलेशन, मैथ का मतलब कैलकुलेशन। आगे चलकर आप कोई कंपटीशन भी बैठते हैं तो
तो कंपटीशन में वही बच्चा मैथ में अच्छा कर पाता है जिसका कैलकुलेशन अच्छा रहता है। भाई कैलकुलेशन जल्दी जल्दी आप लगा कर आगे बढ़ जाओगे। अब पता लगा तुम टेबल ही गिन रहे हो और तब तक अगला जो है लगा कर निकलेगा, तब वहां समस्या हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट एट जा साथ में बोलिए और थोड़ा जितना तेज आप लोग बोल पाओ, एट एट जा 64, नाइन एट जा 72, टू जा 144 और कैरी 6 व्यवहारिक तरीका एकदम प्रैक्टिकल 81 और 10 91 91 और 5 96। तो यहाँ क्या आ गया आपका 96, ये चीज हो जाएगी, समझ में आया। चलो एक स्क्वायर करके दिखाओ, देखते हैं चारों बच्चों में से कौन सबसे पहले करके बनाता है। चलिए करके दिखाया आप लोग 87 का स्क्वायर एकदम फास्ट, 87 कॉपी में करके दिखाइए 87 का स्क्वायर तुरंत बताइए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास या एक मिनट का मैक्सिमम। 87 का स्क्वायर देखते हैं कैलकुलेशन किसका कितना स्ट्रांग है। चलिए एक आंसर आ गया भाई, क्या है बोलिए, 6709। चलो और बताइए दूसरा आंसर, 7469। एक आंसर आया है 7469। चलिए अलग अलग कैसे आ रहा भाई, 7809। अच्छा एक आंसर आया भाई 7809। चलिए और बताइए, अच्छा 6809 ठीक है। और बताइए भाई, देख लो कैलकुलेशन कितना इसका कितना स्ट्रांग है। और यहाँ सब टेबल का ही गेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई फार्मूला भी नहीं यूज करना है। चलिए बताइए जल्दी, चलिए पीयूष आप ही नहीं बताओ बाकी सब बच्चे बता दिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। चलिए एक आंसर इनका गलत होकर 7009 आ रहा। चलिए पीयूष आपका आंसर अभी तक नहीं आया, देखो कैलकुलेशन इतना तेज है उसका। चलो चेक किया जाए है ना। हाँ सर, यहाँ पर देखो 7 से बन जा 49, कैरी आया 4, 8 से बन जा 56 टू जा, अब देखो 2 जा 56 2 जा 100 6 2 जा 12 हुआ 112 और 4 116 ये तो होगा 112 और 1 और 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 116। यस सर यस सर, कैरी 11 आया। अब देखिए 8 ऐड जा 64 और 11 तो 64 और 10 74 और 1 और ऐड करना है ना तो 75 कितना आया सर, 75 69 आया सर जी, मेरा सही था 4 है ना। इतना समझ में आया, आप इसको ऐसे चेक कर लो 7 7 जा 49 7 8 जा 56 है ना और 4 60 हो जाएगा और 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64 और 64 और 5 69 ऐड कर दो 9 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 अरे सॉरी हाँ सही है 9 6 15 और 617 तुरंत आ गया। यानी कि ये चीज आपका तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप इस चीज को लगाए ना कहीं ना कहीं आपको खुद ही रियलाइज होगा, जैसे आप अपना टेस्ट खुद कीजिए ना, क्योंकि एग्जाम में बैठना तो आपको है और भाई ये भी आपको पता है कई सारे बच्चों के बीच में फाइट करना है। तो चलिए एक प्रयास और कीजिए, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये चीज होगा आपका। चलिए एक और इस बार देखते हैं, सब लोग एकदम पेन रेडी करके रहो है ना, देखते हैं कौन बताता है। चलो इस बार का क्वेश्चन है आपका 79 का होल स्क्वायर, चलिए करके दिखाए कैलकुलेशन गलत मत करना, 79 का होल स्क्वायर
एकदम फास्ट फॉर्मूला लिख दिया जा रहा है, लास्ट का स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई आपस में करना है, टू इंटू मल्टीप्लाई टूगेदर, टू इंटू मल्टीप्लाई टूगेदर, है ना, कैरी को ऐड करते चलना है, बस ये चीज ध्यान देना। इसके बाद में क्या करना, फर्स्ट का स्क्वायर करना, यही तरीका अपनाना, फर्स्ट का स्क्वायर करना, बस ये तरीका अपनाना। अब देखो लास्ट में कौन है, फर्स्ट में कौन, दो ही है, है ना, दो में लास्ट मतलब यूनिट और फर्स्ट मतलब टेन जो वाला डिजिट है ना। चलो करके दिखाओ, हाँ चलिए एक आंसर आया 6241 और अब और भाई किसी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो। चलो आगे सर 12 21, अच्छा एक आंसर आया भाई 1221 जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और कैलकुलेशन यहां से आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, अगर आप अभी से ये चीज स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे से ये चीज वरदान साबित हो जाएगी, है ना। हाँ एक आंसर आया 5241, चेक कर लीजिए। अच्छा एक आंसर आया 1891, चलो अब चेक करते हैं सबका आंसर आ गया। देखिए 9 9 81 की 1 कैरी आया 8, 9 7 जा 63, 63 2 जा 126, 126 और 8 134, 134 की 4 हुआ कैरी आया 13 आया ना, 7 7 जा 49, 49 और 13 ऐड करना है तो 49 और 10 59, 3 बचा है ना, 59 और 3 62, तो कितना आंसर आया 62 41 आया, जो सबसे पहले आंसर आया वो सही था। अब यहां से क्या पता चल रहा है, देखो यहां से आप लोग थोड़ा अपने आप को जज आपने कर लिया, यानी कि यहां से आपका अब मतलब दिक्कत कहां से आ रही है, बचपन वाली, मतलब कैलकुलेशन हमारा भाई वीक है, कैलकुलेशन मतलब सोचने, कैलकुलेशन एक तेज करने की कैपेसिटी बनाई है, जैसे तुरंत कोई बोले 63 2 जा, बोलो भाई 63 2 जा, तो इसको करने के लिए तरीका ही अपनाओ, 63 2 जा तो 62 जा 126, 62 जा 120 हुआ, यहां 3 है, 32 जा 6 तो 120 और 6 से तुरंत ऐड कर दो 126 होगा, या हिंदी में समझ लो जैसे 63 दूना तो 60 दूना 120 होता है, 3 दूना 6 120 और 6 126 तो 63 दूना कितना हो जाए 126, नहीं समझ में आया, समझ पा रहे हो, अगर कह दिया जाए हम बताइए 71 2 जा कितना हो जाएगा, हिंदी में समझो 71 दूना तो 70 दूना 140, यह किया 1 दूना 2 140 और 2 142, 71 दूना 142, अब इंग्लिश में 71 2 जा 142 स्टूडेंट ऑफ क्लास है ना, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंसी आप इंग्लिश में सोचो हर चीज, जैसे 66 2 जा 62 जा 120 और 6 2 जा 12 120 और 12 132, कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगला अगर कोई आपको देख भी ले वो भी परेशान, भाई कहां से पढ़ता है इतना अच्छा कैलकुलेशन इतना, हां बताइए 9 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इक्वेशन लास्ट का स्क्वायर कर दो है ना, कैरी को ऐड करते हैं, यानी कि स्क्वायर करने के बाद केवल यूनिट डिजिट ही लिखना, पीछे वाला अंक ही लिखना है, है ना, जैसे 9 9 81 हुआ, 9 का स्क्वायर किया गया तो 81 आया, 81 की केवल 1 लिखा गया, 8 बचा, 8 इसमें ऐड करेंगे, अब आपस में मल्टीप्लाई करो तो 63 2 जा 126 126 और 8, अब ऐड करने का तरीका 126 और 4 130, 4 बचा 134, समझ पा रहे हो ना, अच्छा सर ऐड करके तुरंत उसका डबल, 134 हुआ, पहले मल्टीप्लाई करना
फिर डबल करना, लास्ट में ऐड करना, ठीक है ना। 134 की क्या हो गया, 134 क्या केवल 4 ही तो लिखोगे, जो बचता सब कैरी हो जाता है। अब कैरी 30 है, अब फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 हुआ, 49 और 13 अब ऐड करना है। तो 49 और 13 को जब आप ऐड करोगे तो कैसे तरीका देखो, 49 और 13 को ऐड करना है, कुछ देर मान लो 10 है, तो 49 और 10 कितना हो जाएगा 59, 3 बचा है ना, तो 59 और 3 9 3 12 और मतलब यहां 62 हो जाएगा। व्यवहारिक तरीका अपना होना, दादा वाला तरीका, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए एक होमवर्क है इसी से है, आप लोग को ईमानदारी से 1 का स्क्वायर से लेकर 1 स्क्वायर से लेकर कहां तक 100 स्क्वायर तक लिखना है, लेकिन कैलकुलेशन का यूज नहीं करना और ना ही इस तरीके का यूज करना है, ये 67 into 67, क्योंकि आज तक तुम यही यूज करते हो। ये तरीका अगर आप जो बताया गया ये यूज करोगे, दो फायदा है हमें पता, हो सकता है आपको इससे जल्दी हो जाए, लेकिन एक फायदा ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और कैलकुलेशन भाई स्ट्रांग करने का कोई सूत्र नहीं कि बता दिया जाए हाँ 10 सूत्र बताया गया, 11वां बता दिया जाए लो तैयार, उसे तो प्रैक्टिस से ही आएगा ना, इतना समझ पाए। तो ये कल का जो बताया गया था उसका एक प्रकार से फायदा भी है, अगर आप देखना चाहो तो, नहीं तो ऐसे करना चाहो डिग्री तो है आपके पेपर में आएगा, इसलिए आप याद करो, होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों याद करो, पेपर में आएगा, सिलेबस में है, एग्जाम में लिखना है ताकि पास हो जाए, इसलिए याद कर रहे, ये मेंटालिटी ना बनो, है ना, समझ में आया। चलो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ना। देखिए ये टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा अच्छा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डेली लाइफ के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं यार 10 रुपए का प्रॉफिट, है ना। जैसे हम कहते हैं आपने 10 रुपये की पेन, ध्यान से समझना, आपने 10 रुपये का पेन 7 रुपये में खरीदा, और आप कह रहे हैं हमें 3 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, अपने 10 रुपीज का पेन 7 रुपीज में खरीदा, आप कह रहे हैं 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब कोई बच्चा, कोई दोस्त आपका आपकी मैथ चेक करना चाह रहा है, वो कह रहा है अच्छा हमें रुपए मत बताओ, हमें बताओ कै परसेंट प्रॉफिट हुआ, अब आप फंस गए, है ना। या मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, अरे पापा पापा इंटर में हमने 600 में से 520 नंबर पाया, अब पापा पूछ लिया अच्छा बेटा ठीक है ये नंबर उम्बर समझ में नहीं आता, बताओ कई परसेंट आया, अब आप फंस गए, नहीं समझ पाए। हम लोग जनरली होता है ना, हम यार ह्यूमन का नेचर होता है, हम लोग परसेंटेज में सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मेंटालिटी यही तो रहती है ना, तुमको 90% लाना है, तुमको 95% अगर लाओगे तो एक बाइक दिलाएंगे, जो कि असंभव, यह असंभव ही होता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। परसेंटेज में पूछने की आदत होती है। या मान लो कोई शर्ट, आप 600 रुपए की शर्ट आप 520 रुपए में उठा लाए, पापा से बोल रहे हो पापा देखो 80 रुपए फायदा करवाए हैं, पापा कहे बेटा हम ये समझ में नहीं आता, हम बिजनेस मैन है, ये बताओ कै परसेंट फायदा हुआ, 20-25% हुआ कि नहीं, अब आप कैसे बताओगे। यानी कि आपने बताया प्रॉफिट, और पापा जी क्या पूछ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, है ना। तो देखो इसके लिए आपको दो चीज समझना जरूरी होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक चीज होता है आपका एसपी होता है, आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। अब एसपी वो जिला वाले एसपी नहीं है ना, एमआईएस वाला एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो एसपी मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। और एक होता है भाई सीपी होता है, है ना, कटप्पा नहीं हाँ सीपी का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, समझ पाए इतना। अब देखिए, अब जरा दिमाग लगाओ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 10 रुपीज का खरीद रहे हो, है ना, 12 रुपीज में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा बताइए, 10 रुपए का सामान आप 12 रुपए में बेच रहे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। हम पूछ रहे हैं कितना प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे यही 12 में से 10 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 2 रुपया, है ना। इसका मतलब अगर प्रॉफिट का फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, समझ पाए। मतलब प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होने चाहिए कि एसपी ज्यादा होना चाहिए सीपी से, ये प्रॉफिट के लिए कंडीशन है, समझ पा रहे हो कि नहीं,
ना। लेकिन अगर यही कह दिया जाए आपने 10 रुपए की पेन 7 रुपए में बेची, अब बताइए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? अब आप कहेंगे लॉस हो रहा है, अब आप क्या कहेंगे? लॉस हो रहा है। फिर हम पूछ ले कितना लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे ये तो सिंपल है, 10 में से 7 माइनस कर दो, 10 में से 7 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप कहेंगे 10 माइनस 7 मतलब 3 रुपीज, यही तो है लॉस, है ना। तो लॉस का फार्मूला अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीज, है ना। सीपी, तो लॉस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सीपी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए लेकिन एसपी का वैल्यू कम है। अगर एसपी का वैल्यू कम हो तो वहां लॉस होगा, अगर सीपी की अगर एसपी की वैल्यू ज्यादा हो तो वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन अब मामला समस्या यहां पर यह हो जाती है, सब कोई किसे पूछता है, परसेंटेज में बताओ। हम लोग खुद ही प्रीफर करते हैं, अभी मूलचंद के यहाँ फैजाबाद में चले जाओ, वहां ये नहीं कहोगे कई रुपए छोड़ रहे हो, वहां पर ये कहोगे भैया कई परसेंट डिस्काउंट है बताओ जरा सा। मॉल में चले जाओगे वहां लिखा रहता अप टू 75% डिस्काउंट, 0 से 75% डिस्काउंट है, धमाका चल रहा है एकदम, है ना। तो वहां डिस्काउंट परसेंटेज में रहता है ना। तो अगर ये परसेंटेज की बात कर दिया जाए तो यहाँ से तुरंत दो नए फार्मूले निकल जाएंगे, एक प्रॉफिट परसेंट और एक क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंट। अब इसको रटना नहीं, बहुत आसान है। प्रॉफिट परसेंट के लिए, अच्छा ये बताओ प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट तो होना जरूरी है ना, प्रॉफिट पर ही तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट, और ये बताओ ओवरऑल क्या होता है प्राइस, ओवरऑल जो हम खरीदे रहते हैं, है ना। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, बस ये 100 कर दो। अगर ये लॉस की बात हो तो सिंपल सा भाई, प्रॉफिट के स्थान पर क्या कर दो, लॉस। और सारा चीज किस पर होता है, प्रॉफिट लॉस सब किस पर होता है, जिस पर हम खरीदे रहते हैं भाई, सीपी पर ही तो होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी, और क्या करो, क्या करो, मल्टीप्लाई 100। अरे गजब, बस ये आपका तैयार हो गया, समझ में आया। तो यहां से आपका 4 फार्मूला, इसे तुरंत लिखिए, है ना, ऐसे बना लीजिए, इसे आपका पूरा मेमोरी रिकॉल रहे, डन।